सबसे पहले शुरुआत करेंगे एफिल इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर हम आज के दिन की बात करें तो 202% की तेजी, और इसी तेजी के साथ आज के दिन इन स्टॉक ने अपने एक 52-week हाई भी हमें अचीव करते देखने को मिला। और अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसकी जो ऑल टाइम हाई है वो 1520 की है, जो कि आज से 2.5 साल पहले स्टॉक ने अचीव किया था। और आज के दिन की जो स्टॉक की हाई है वो दोस्तों 1510 यानी कि 1510 की, यानी कि सिर्फ 10 ही पॉइंट रह गए। अगर स्टॉक में और थोड़ी रैली आ जाती है तो शायद से ये स्टॉक आज ही के दिन अपना एक ऑल टाइम हाई, मतलब एक फेस हाई भी हमें अचीव करते देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार की तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिला और जिस लेवल के ऊपर स्टॉक ने अपने आप को क्लोजिंग दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, एकदम अपना ऑल टाइम के आसपास ही, मतलब एकदम देख सकते हो कि ब्रेकआउट के करीब है। और जब इस लेवल को ब्रेकआउट देगा तो आपको बताइए, ये मिड कैप कंपनी है, तो मिड कैप स्टॉक में जब इस प्रकार के 2.5 साल 3 साल पुराने लेवल ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद स्टॉक में हमें बहुत बड़े मूव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले भी स्टॉक में बहुत बार इस प्रकार के बाउंस पे गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उस तेजी को स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाते तो अगेन हमें स्टॉक में फॉर्दर गिरावट देखने को मिला। तो इस बार अगर स्टॉक ने जो इतने मेहनत से काफी टाइम से जो एक तरफा लगातार रिकवरी दिखा रहे और ऑलमोस्ट स्टॉक अपने उसी हाई के आसपास आ चुका है जिस हाई से स्टॉक आज से 2.5 साल पहले गिरा था, तो अगर यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक में यहाँ से और भी फर्दर रैली दिखाना। तो अगर स्टॉक को ब्रेकआउट देके यहाँ से और भी जबरदस्त रैली दिखाने तो कंपनी के जो आने वाले Q1 के नंबर रहेंगे वो सबसे खास और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग नंबर होना चाहिए, इम्प्रेसिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि पिछले Q4 में भी इस कंपनी ने बहुत टाइम बाद एक अच्छे नंबर प्रेजेंट किया था। कोई सुपर डुपर नंबर तो थे नहीं, लेकिन फिर भी अगर कंपनी के नंबर को ऊपर से देखोगे तो वाकई कंपनी ने पिछले Q4 में एक अच्छे और एक डिसेंट नंबर दिखाए थे इनकम से लेकर नेट प्रॉफिट तक। मतलब इससे पहले 60-70 इसी के आसपास कंपनी के नेट प्रॉफिट थे, बट पिछले Q4 में कंपनी ने 87 करोड़ के नेट प्रॉफिट दिखाए थे। पर इस बार के जो नंबर रहने वाले तो एटलीस्ट कंपनी के इनकम 550 से लेकर 600 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इतने कंपनी के इनकम आना चाहिए। दूसरे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट है जो कि अभी तक सिंगल डिजिट में है, काफ़ी टाइम से देख सकते हो, लगभग 2-2.5 साल से एक ही रेंज में कंपनी नंबर दिखा रहे हैं, बट इस बार के नंबर एटलीस्ट कंपनी के शायद से 3 डिजिट के नंबर कंपनी नेट प्रॉफिट कंपनी दिखा सकता है। और अगर इस प्रकार के सेल्स और इस प्रकार के नेट प्रॉफिट दिखा दे तो शायद से जो 3 साल से स्टॉक फंसा हुआ है एक ही रेंज में, स्टॉक में तेजी आता जरूर है बट वो तेजी टिकता नहीं है, दोबारा गिरावट, अगेन मेहनत करके उसी बॉटम लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाते हैं, अगेन उस तेजी को सस्टेन नहीं कर पाते तो फिर एक गिरावट। बट इस बार एक तरफा स्टॉक में तेजी आया भी है और वो तेजी टिका भी है, और इस बार की तेजी, इस बार की रिकवरी हमें सबसे बड़े रिकवरी देखने को मिला अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। तो जैसे मैंने कहा ऑल टाइम ब्रेकआउट हो सकता है कि कल के दिन भी ब्रेकआउट देते, इसी हफ्ते ब्रेकआउट देते, बट इंपॉर्टेंट चीज ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से एक तरफ रैली आना चाहिए, मतलब एक तरफ यहाँ से जबरदस्त बाइंग आना चाहिए, और ये जबरदस्त बाइंग या फिर जबरदस्त रैली तभी आ पाएगा जब कंपनी के फंडामेंटल रहेंगे, कंपनी के अर्निंग्स अच्छे होंगे। तो आने वाले जो कंपनी के Q1 के नंबर आएंगे दोस्तों, तो जिसके पास भी है, अगर खास करके किसी ने यहाँ पे खरीदा तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा खास रहने वाले, क्योंकि नंबर इनके अच्छे आ गए तो इनके लिए तो यहाँ से भी ये स्टॉक आपको और भी जबरदस्त प्रॉफिट बना के दे सकता है, वो भी शॉर्ट टाइम के अंदर। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब जब भी मिड कैप जैसे स्टॉक इस प्रकार के लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देते हैं अपने लेवल को, तो उसके बाद स्टॉक में बहुत बड़े मूव आते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि ये जो 500-700 पॉइंट की रैली है स्टॉक ने सिर्फ 1 से लेकर 1.5 साल में दिखा है, और ये मिड कैप स्टॉक चलते ही ऐसे है, जब स्टॉक में रैली आता है तो इतने आते हैं तो आप सोच भी नहीं पाओगे उतने ज़्यादा, उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट बना के दे देगा। तो फिलहाल भाई जिसके पास भी जिन्होंने इस लोअर लेवल पे जब कवर किया था बाइंग की, अच्छी बात है। इसे जो 3 साल से स्टॉक को विदाउट प्रॉफिट में होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी इतने का अच्छा होगा कि इस बार के नंबर के ऊपर बहुत फोकस बना के रखना, अगर नंबर अच्छे आ गए तो इस आपके इस लेवल से, इस ऑल टाइम हाई से भी स्टॉक 2000 से लेकर 2500 तक भी रैली दिखा सकता है, डिपेंड करते कि नंबर कितने स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो डेक्सॉन टेक्नोलॉजी। सो डेक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के दिन भी 3.5% की तेजी, 5 दिनों की बात करें रफली देखोगे तो 4.25%, बट अगर बॉटम लेवल से देखोगे यानी कि एग्जैक्टली जिस लेवल से स्टॉक ने गिरावट के बाद एक तरफा रिकवरी दिखाना शुरू किया, तो पिछले 2 दिनों में स्टॉक ने यानी कि फ्राइडे के दिन और आज मंडे के दिन, तो 2 ही दिनों में स्टॉक ने बॉटम लेवल से बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई, 7.5% ऑलमोस्ट 800 पॉइंट तक की रिकवरी। और उससे भी खास पॉइंट, जो गिरावट स्टॉक में एक तरफा हो रहा था इसी अपने 12900 के लेवल से एक तरफा लगातार देख सकते हो, उस गिरावट में एक जबरदस्त फुल स्टॉप भी लगा है और स्टॉक में जबरदस्त एक तरफा में स्टॉक में अच्छे खासे रिकवरी भी देखने को मिला है। और खास करके ये जो रिकवरी स्टॉक ने 2 दिन में दिखाया इस बॉटम लेवल से 700-800 पॉइंट की,
ये रिकवरी फ्रीज ये तेजी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन चुका है ये फ्रीज, क्योंकि ये तेजी हमें कंपनी के नंबर आने के बाद देखने, मतलब नंबर आने से पहले देखने को मिल रहा है। सो आप लोगों को पता है कि कल के दिन इस कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर आने वाले, और नंबर आने से पहले स्टॉक में हमें जबरदस्त बाइंग देखने को मिल रहा है। तो क्या मार्केट ये मान के चल रहे हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के इस बार के नंबर जो मार्केट के अनुमान है उस अनुमान के हिसाब से कंपनी एक जबरदस्त नंबर प्रेजेंट कर सकते हैं? और जहां तक अगर हम बाजार के अनुमान की बात करें तो अभी तक मार्केट के जितने भी एस्टिमेट थे सभी को डिक्सन टेक्नोलॉजी किसी न किसी पॉइंट पे उसने जरूर मिस किया, कभी 11% से मिस किया तो कभी 16% से, या तो पिछले क्वार्टर में 21% से। और आपको ये भी पता है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी अपने इस सेक्टर का लीडिंग कंपनी है, तो इनके ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर होता है। और अब तो ये कंपनी इतने भागने के बाद मिड कैप से एक बहुत बड़े ब्लू चिप कंपनी भी बन चुका है, जिनके चलते इनके ऊपर जो एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं, तो मार्केट का ये अनुमान है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो कल के दिन नंबर आने वाले उसमें जो इनकम रहेगा डिक्सन के वो 5,820 करोड़ के होना चाहिए। देन जो ईपीएस रहने वाला है वो नियर बाय 20 से लेके 21 के आसपास ईपीएस होना चाहिए, जो कि इसी नंबर को अगर हम पिछले जून क्वार्टर से और पिछले क्वार्टर के मार्च क्वार्टर से, यानी कि क्वार्टरली और ईयरली अगर हम कंपेयर करके देखें पिछले साल से और पिछले क्वार्टर से, तो पिछले साल से कोई कंपेरिजन होगा नहीं, क्योंकि पिछले साल जून क्वार्टर में सिर्फ कंपनी के इनकम 3,200-3,300 करोड़ के आसपास थे, तो इससे कोई तो कंपैरिजन होगा ही नहीं। हमारा कंपैरिजन होना चाहिए कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। तो पिछले क्वार्टर मार्च में कंपनी के इनकम 4,650 करोड़ के आसपास थे, जो कि इस बार एस्टिमेट लगा जा रहा है कि एटलीस्ट कंपनी के इनकम इस क्वार्टर में 5,800 के इनकम आना चाहिए। उसी के साथ नेट प्रॉफिट की बात करें, यानी कि ईपीएस के, तो ईपीएस कितने लगभग 2021 मान लो कि 21 के ईपीएस एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं, तो अगर हम इससे पिछले साल से कंपेयर करके देखें तो पिछले साल ईपीएस थे सिर्फ 13 के, और इस बार पिछले क्वार्टर में ईपीएस थे नियर बाय 16 के आसपास, यानी कि ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस इनकम के साथ साथ प्रॉफिट भी कंपनी के जबरदस्त आना चाहिए, मतलब नेक्स्ट लेवल के 125 करोड़ के आसपास इस बार डिक्सन के जो नेट प्रॉफिट है उसमें एस्टिमेट लगाया जा रहा है। तो क्या डिक्सन टेक्नोलॉजी इस बार जो मार्केट का अनुमान है कि 6,000 करोड़ के आसपास के इनकम, लगभग 120 से लेकर 125 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट, तो क्या इस प्रकार के मार्केट के हायर एस्टिमेट को क्या डिक्सन टेक्नोलॉजी बीट कर पाएगा? ये देखने कल के दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस प्रकार से ये स्टॉक एक तरफा भागा है, जिनके चलते देख सकते हो सारे लेवल को ब्रेकआउट देके स्टॉक के जो पी है 200 के आसपास जा चुका है, और जो अर्निंग्स है वो अर्निंग्स भी 200 के आसपास ही है। तो ऐसा मतलब तो स्टॉक को अगर आगे इसी प्रकार की और रैली दिखाने तो उसके लिए कंपनी के आगे अर्निंग्स ग्रो होना चाहिए, कंपनी के नंबर अच्छे होना चाहिए। तो इसी के चलते कि ब्रोकर के मानना है कि स्टॉक का वैल्यूएशन एकदम टॉप पे है, तो इसी वैल्यूएशन अगर स्टॉक को मेंटेन रखना है और आगे और भी फर्दर अगर रैली दिखाना है तो कंपनी के कल के दिन के जो नंबर है वो मार्केट के जो एस्टिमेट है, मतलब एक अच्छे नंबर, एक जबरदस्त नंबर होना चाहिए। और कल के दिन मार्केट के अनुमान के हिसाब से अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी अगर इस प्रकार के एक अच्छे नंबर दिखाना पाए तो उसके लिए आप ऐसा बोल सकते हो ये स्टॉक की वैल्यूएशन है 200 के आसपास की पी, तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाइबल होगा नहीं, और उसके बाद एक टॉप लेवल से हमें एक अच्छे खासा हेल्दी करेक्शन भी स्टॉक में देखने को मिल सकता है। जो करेक्शन एस्टिमेट किए जा रहे हैं कुछ एनालिस के जरिए, जो कि आप देख सकते हो कि उनके ये मानना है जिस प्रकार के मार्केट के एस्टिमेट है अगर उस प्रकार के नंबर दिखा दिए तो स्टॉक में जो रिकवरी अभी 2 दिनों से हमें देखने को मिले ये रिकवरी आगे भी कंटिन्यू होगा, और उसके बाद भी स्टॉक जो अपने पुराने हाई है उसको ब्रेकआउट देके अपना फिर से एक ऑल टाइम हाई आया था 13,600 से लेकर 14,000 तक भी रैली दिखा सकता है। और सेम अगर कंपनी के नंबर डिसअपॉइंटिंग वाले आए तो स्टॉक फिर से गिरावट दिखाएगा और फिर 10,000 को ब्रेकआउट मतलब ब्रेक डाउन देके स्टॉक 9,200 के करीब भी स्टॉक आ सकता है। और अगर कंपनी के नंबर बहुत खराब आया और ऊपर से अगर मैनेजमेंट ने भी कुछ नेगेटिव गाइडेंस दे दी तो उसके बाद ये स्टॉक बहुत बड़ी गिरावट दिखाएगा, जो गिरावट 6,000 तक भी स्टॉक आ सकता है। उसके पीछे का रीजन है कि स्टॉक का नेचर, अगर आप स्टॉक की मैक्सिमम परफॉर्मेंस को देखोगे तो जब से इसकी शुरुआत हुआ नेट ने 2000 से लेकर 2100% बट इसी बीच में आप देख सकते हो कि स्टॉक का जो नेचर है जब ये स्टॉक गिरावट दिखाते हैं आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको 50-60% डाउन देखने को मिल जाएगा, बट जब स्टॉक में रैली आता है एक तरफा तो बहुत जबरदस्त आता है, मतलब 500-700 पॉइंट तक की रैली आपको एक ही तरफा देखने को मिल जाता है। और अगेन जब इसके हिसाब से स्टॉक नंबर दिखा नहीं पाते, इस वैल्यूएशन को जब स्टॉक मेंटेन नहीं रख पाते हैं तो स्टॉक फिर गिरावट दिखाते हैं, जो गिरावट 50-60% होता है, फिर अगेन स्टॉक में एक तरफा रैली आए न्यूज पे इसके चलते 300-400% तक की एक तरफा रैली, और अगेन स्टॉक एकदम अपना टॉप पे पहुंच चुका है एक हाई वैल्यूएशन पे। तो अगर इस बार कंपनी अच्छे नंबर दिखा ना पाए तो शायद से इसी प्रकार की गिरावट, अगर बहुत नंबर खराब है तो शायद से इसी प्रकार की गिरावट जो हमने 2 बार यहाँ पे देखा था, इस बार भी स्टॉक इसी प्रकार के बड़े गिरावट भी दिखा सकता है। डिपेंड करते हैं कल के दिन कंपनी के नंबर कैसे आते हैं और मैनेजमेंट के
कॉमेंट्री कैसे आते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इथॉस लिमिटेड, बहुत ही जबरदस्त कंपनी। आज के दिन की बात करें तो 3.3% डाउन। बाकी इसके मैक्सिमम परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी अभी इसकी लिस्टिंग हुआ 2022 में, हार्डली 2 साल हुए, तो 2.25 साल में 300-350% का प्रॉफिट। सो इथॉस लिमिटेड की बात करें दोस्तों, ये भी एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है और आज ये कंपनी छोटी है और फ्यूचर में कंपनी यहाँ से बहुत बड़ी कंपनी आपको बनती देखने को मिल सकता है। अभी देखा जाए मतलब 300% स्टॉक जरूर भागा है, बट आज भी कंपनी 7-8 हज़ार करोड़ की इसके मार्केट कैप है। तो फ्यूचर में ये कंपनी यहाँ से बहुत बड़ी कंपनी आपको बनती देखने को मिल सकती है। इतनी पोटेंशियल हमें इस कंपनी के बिजनेस में देखने को मिल जाता है। तो भाई जिसके पास ये, अगर आप चाहो तो और भी लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हो। किसी के पास है नहीं तो अभी ब्लाइंडली इसको इग्नोर करो, मतलब ब्लाइंडली फ्रेज बाय करने की जरूरत है नहीं। कुछ दिन बाद कंपनी के नंबर आएगा, नंबर को आ जाने दो, और आपको नंबर अच्छे लगते हैं उसके बाद चाहो तो टॉप भी आप अपना रिस्क लेने के बारे में मतलब डिस्कशन आप कर सकते हो। आखिरी स्टॉक की बात करें तो टीवीएस मोटर, अगर हम आज के दिन की बात करें तो लगभग 1% डाउन, बाकी साल भर में 80% के प्रॉफिट और 5-5 साल में 550%। हाँ ये ब्लू चिप, बट जिस प्रकार के प्रॉफिट स्टॉक ने दिखाया, एक मिड कैप जैसे प्रॉफिट दिखा, और इसी तेजी के साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने हाल ही में 1:4 का बोनस का भी अनाउंस किया। मतलब जिसके पास है उनके लिए धमाकेदार पॉइंट है, जिसके पास है नहीं तो बोनस और स्प्लिट के जैसे किसी भी स्टॉक में जाने की जरूरत है नहीं। अगर आप अच्छे कंपनी के साथ बने रहोगे तो इस प्रकार के बोनस स्प्लिट आपको अच्छे स्टॉक में भी फ्यूचर में देखने को